वेलकम टू एस जे इंसेप्शंस योर एक्वेरियम चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो में आप सभी ने कहा था कि आपको लवली एक्वेरियम फिश शॉप का एक हिंदी में वीडियो चाहिए, तो इसलिए मैं आया हूँ दोबारा कल्याण में लवली एक्वेरियम फिश शॉप कवर करने। आज का ये जो पूरा वीडियो है हिंदी में होने वाला है और आज हम दोबारा इनकी जो है फिशेस देखने वाले हैं। एक हिंदी में ये वीडियो होने वाला है और इनके पास कुछ नई वैरायटी की फिशेस भी आई हुई है, तो आज के इस पूरे वीडियो में हम वो चेकआउट करेंगे। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो आप सभी को फिर से एक बार बता दूं कि ये है लवली एक्वेरियम फिश शॉप जो कल्याण वेस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी क्वालिटी की फ़िशेस आपको मिलेगी इस शॉप में और अलग अलग फ्रेश वाटर फिशेस, वेरियस एक्वेरियम फिश वैरायटीज़ आपको इस शॉप में मिलेगी और क्वारंटाइन करके अच्छे से आपको यहाँ पे फिशेस जो है मिलेगी। फिर से दोबारा मैं आपको इनके सारे टैंक्स दिखा देता हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन वाटर में, मेंटेन्ड वाटर में यहाँ पे जो है फिशेस रखी जाती है। और इस साइड भी आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, इनके पास प्लांटेशन नेचर एक्वेरियम के टैंक्स भी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में सेटअप टैंक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि ये है टेट्रा फिश की वैरायटीज़ आपको इनके पास काफ़ी सारी मिलेगी। दैट्स नॉट ऑल, यहाँ पे आपको पेट प्रोडक्ट्स, पेट फूड, पेट की एसेसरीज़ भी काफ़ी सारी मिलेगी। यहाँ पे सारे टेट्रा फिशेस, स्मॉल साइज फिशेस है, यहाँ पे स्मॉल गोल्ड फिश है और स्मॉल साइज गोल्ड फिश, मीडियम साइज गोल्ड फिश, ऐसे कई वैरायटीज़ यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, बिग साइज़ में अवेलेबल है। तो फिर से दोबारा आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर हम जो है लवली एक्वेरियम फिश शॉप देखने वाले हैं, तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में। तो हमारे साथ है लवली एक्वेरियम फिश शॉप के ओनर। नमस्ते। नमस्ते जी। तो लास्ट के वीडियो के ऊपर आपके शॉप पर काफी पॉजिटिव अच्छा रिस्पांस मिला था व्यूअर्स से, क्या बोलना चाहेंगे आप इस वीडियो, ये वीडियो हम हिंदी में कर रहे हैं। पहले तो सभी व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ और सभी व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के ऊपर हम लोग ये वीडियो हिंदी में बना रहे हैं। ओके। और क्या प्राइसेस मेंशन होने वाली है इस वीडियो में? नहीं, क्योंकि कैसा रहता है, हर एक एरिया के हिसाब से सेम प्राइस नहीं रहता है, हर एक एरियाज में अलग अलग प्राइस में अलग अलग रहता है। और कुछ बिजनेस के डिस्क्लू ये नहीं होना चाहिए, स्पॉइल नहीं होना चाहिए, किसी के मेरे वजह से किसी का नुकसान नहीं होना, किसी की वजह से बिजनेस को नुकसान नहीं होना चाहिए, ओवरऑल बिजनेस को। इसके लिए हम लोग आपको रेट, आप कॉल कीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रेट डेफिनेटली बताऊंगा। कॉलिंग और मैसेज के ऊपर आप रेट बता देंगे? बता दूंगा। 100% करते दोबारा आपके सारे फिशेस देखना। थैंक यू। और अच्छे कमेंट्स के लिए और सभी व्यूअर्स को मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। ओके, सो शुरू करते फिर आपका वीडियो। ओके, आपके शॉप की सारी फिशेस देख लेते हैं। सो फिर से दोबारा हम लवली एक्वेरियम फिश शॉप की फिशेस देखेंगे, कुछ नई वैरायटीज भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं द मेन अट्रैक्शन ऑफ लवली एक्वेरियम फिश शॉप, ये अरवाना। हमारे साथ लवली एक्वेरियम फिश शॉप के ओनर है। तो सबसे पहले इस अरवाना का दोबारा से एक नाम बताएंगे आप हमें। ये रेड चिली अरवाना है। रेड चिली अरवाना, क्या खासियत होती है इसके अंदर? इसका जो पैटर्न है और कलर जी, नॉर्मल जो सिल्वर या नॉर्मल अरवाना रहते उनसे काफी कलरफुल रहता है ये। क्या साइज का ये अभी करंट? ये 18 इंच प्लस। ओके, और क्या फीडिंग कराते हो आप इसको? फीडिंग इसको ड्राई श्रिम्स है, बाद में स्टिक्स है हिकारी के, वो ये खाता है। ओके, और ये फिलहाल इस अरवाना को कुछ टैनिंग लाइट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है स्केल्स के निखरने के लिए? हाँ, टैनिंग लाइट आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्जोटिक अरवाना है तो आप टैनिंग लाइट ज़रूर यूज़ कीजिए, तो उसके वजह से उसका कलर और जो स्केल है और ब्राइट दिखेंगे आपको। ओके, स्पेशली टैनिंग लाइट अरवाना के लिए आती है। ओके, ये आपका पर्सनल कलेक्शन है राइट, नॉट फॉर सेलिंग? नॉट फॉर सेलिंग राइट। तो ये था चिली, चिली रेड अरवाना, चिली रेड अरवाना। नेक्स्ट अरवाना यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये कौन सी वैरायटी है? ये रेड टू अरवाना है। okay. ये इसका साइज जो है 11 इंच के करीब है। 11 इंच है। हाँ, और ये भी श्रिम्प स्टिक्स खाता है? हाँ, ये भी श्रिम्प और स्टिक के ऊपर है। okay. तो ये आप उसको खिला सकते हैं। और इसके स्केल्स में क्या बदलाव आएगा आगे जाके? इसके स्केल जैसे है अभी तो थोड़ा फेड है, जैसा साइज बढ़ता है तो और ब्राइट और विजिबल हो जाएंगे एकदम, और पैटर्न जो है फिश का खुल के दिखने लगेगा जैसा एडल्ट होने जी।
अब हम कवर कर रहे हैं नेक्स्ट टैंक। इसके अंदर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी वराइटीज़ है, जायंट फिश की वराइटीज़ है। सबसे पहले कौन सी बताएंगे आप वराइटी? ये वाली, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, ये कैटफिश में है, क्लेरियस कैटफिश बोलते हैं इस वराइटी को। बहुत ही बड़ी साइज है, क्या बताना चाहेंगे कितनी इंच की है ये साइज? अभी रहेंगी एक 16 इंच के करीब है, एक फीट से ऊपर, एक फीट से ऊपर है। और इसमें ये जो है ये अल्बिनो में है, जो फुल व्हाइट रहता है। और एक पीस आ रहा है, देखिए आप, ये मार्बल बोलते हैं इसको, मार्बल क्लेरियस। इसके बॉडी के ऊपर आपको स्पॉट भी दिखेंगे। कितने साइज की है ये मार्बल? ये भी वही साइज की है तकरीबन, उससे थोड़ी बड़ी रहेगी, 17 इंच के करीब रहेगी। 17 इंच, लेकिन ये वैरायटी जो है आप सब लार्ज फिश के साथ ही रख सकते हैं। इनको क्या फूड लगता है, क्या फूड देते हो आप? फीड ये पैलेट खाते हैं, लार्ज साइज के पैलेट आप इनको खिला सकते हैं। और इसके साथ ये बड़ी वाली फिशेस हैं, ये टाइगर शार्क है, टाइगर शार्क, टाइगर शार्क। यही शार्क जो बहुत बड़ी होती है साइज में, यस। कितने फीट तक चली जाती है ये? 2 फुट तक भी बढ़ती है, उसका क्या कंडीशन में आप रख रहे हैं जी जी, वो हिसाब से इसका साइज ग्रोथ होता है। ओके, प्लस माइनस होता है जी। और ये वैरायटी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सकर फिश है जी, जो ग्लास क्लीन करता है। इसमें भी एक बड़ा पीस है, उसकी साइज तकरीबन रहेगी 13-14 इंच रहेगी। ओके, मतलब फुल साइज आप बोल सकते हैं जी जी। तो इसके अंदर है कैटफिश, शार्क फिश और सकर फिश, और काफी बड़ी साइज है इनकी। अब हम देख रहे हैं अगली फिश की वैरायटी, काफी बड़ी साइज है यहाँ पे आपके पास। कौन सी फिश है ये? इसे सिल्वर शार्क कहते हैं। कितनी साइज है इसकी अभी? एट प्रेजेंट इसका साइज जो है 12 इंच का है। ओके, इनमें आपके पास और साइजेस की अवेलेबल है राइट? मीडियम, स्मॉल, हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। और यहाँ पे एक अरवाना है आपके पास? ये सिल्वर अरवाना है। सिल्वर अरवाना कितने साइज का है ये? ये 6 इंच का है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक काफ़ी अट्रैक्टिव फिश की वैरायटी है। हम इस फिश का नाम जानेंगे, क्या बताएंगे, क्या कौन सी फिश की वैरायटी है ये? ये बोसमान या रेनबो फिश बोलते हैं इसको, बोसमान या रेनबो। और ये जो अभी साइज देख रहे हैं, ये इसकी फुल साइज है, और जो इसको ज़्यादा कलर है वो मेल है। जिसमें ज़्यादा कलर है वो मेल है, एक पॉइंट करके बताओगे आप? ये जो दिख रहा है आपको, जिसको फुल कलरफुल दिख रहा है जी, वो मेल है। और जो फेड है थोड़ा, वो फीमेल है। जो लाइट कलर, फेडेड कलर, ये फीमेल है। मेल को फीमेल के कंपैरिजन में कलर ज्यादा होता है। ओके, आपने इसे प्लांटेड टैंक में रखा है, तो क्या इनको ऐसे टैंक्स में रखते हैं? प्लांटेड टैंक में अगर आप ये फिश रखते हैं, तो इसका जो कलर है बहुत खूबसूरत दिखता है, एज कम्पेयर टू आप नॉर्मल में रखेंगे। या फिर सेटअप टैंक होना चाहिए, उसमें ये अच्छा दिखेगा। प्लांटेशन में आपको बहुत ही सुंदर कलर उसका दिखता है। ओके, और फीडिंग में माइक्रो पैलेट्स खाता है, स्मॉल साइज पैलेट्स? हाँ, पहले स्मॉल साइज का पैलेट्स खाएंगे, फ्लेक्स खाएंगे, और अगर लाइव में आपके पास कुछ रहता है तो डेपनी या ट्यूबेक वर्म्स, ये भी खिला सकते हैं उनको। बोसमान या रेनबो के बाद अब हम कवर कर रहे हैं डिस्कस फिशेस। काफ़ी बड़े साइज के डिस्कस फिश है यहाँ पे, आप देख सकते हो इनकी साइज। कितने इंचेस के है ये अभी? 7-8 इंचेस के है अभी, और इसमें 2-3 वैरायटी आपको दिखती रहेगी। ब्लू डायमंड है जी, जो प्लेन ब्लू है। ओके, ये ब्लू डायमंड वैरायटी जी। ये जो है रेड वाला, जो रेड मेलन है। ओके, और ये जो है दूसरा जो है, ये लेपर्ड में है, ये वाला। ओके, और ये वाला, ये मैप में जाता है, मैप में है। ओके, टेट्रा बिट्स खिलाते हो आप इनको? हाँ, टेट्रा बिट्स खिला सकते हैं आप। इकारी का डिस्कस बायो गोल्ड आता है, वो खिला सकते हैं। ओके, लास्ट के वीडियो में हमारे एक हिंदी वीवर ने पूछा था कि मराठी में आपने टेट्रा बिट्स के बारे में क्या ओपिनियन दिया था, क्या राय दिया था, वो मुझे समझा नहीं। आप फिर से बताएंगे आपकी ओपिनियन टेट्रा बिट्स के बारे में, डिस्कस फिश के लिए? मोस्ट फेवरेट मतलब फूड बोलेंगे आप, अगर डिस्कस कोई पालता है तो फर्स्ट फूड वो टेट्रा बिट्स से लेता है। ओके, बाकी तो फिर और भी फूड मार्केट में अवेलेबल है जी जी, तो वो भी आप ले सकते हैं। डिस्कस का जो हिकारी का डिस्कस बायो गोल्ड करके आता है। Okay. वो भी सुपर प्रीमियम फूड में जाता है। ओके, आप पर्सनली डिस्कस को टेट्रा बिट्स खिलाते हो राइट? हाँ, टेट्रा बिट्स भी खिलाते हैं और डिस्कस बायो गोल्ड भी है। Okay. और अगर वर्म्स में एक ऑस्ट्रेलियन ब्लैक वर्म आता है जी जी, हाँ, तो वो भी ये बहुत शौक से खाते हैं, और अगर वो आप खिलाते हैं तो ये हेल्दी रहते हैं। ओके,
यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं नेक्स्ट फिश की वैरायटी, बहुत ही अनकॉमन फिश दिख रही है, क्या नाम है इसका? ये रेयर फिश है, ये आर्चर फिश बोलते हैं इसको। आर्चर फिश ये जो है पानी के बाहर जो है इंसेक्ट रहते हैं जैसे झाड़ के ऊपर, जी तो जी स्पिट करता है पानी के अंदर से। ओके। और वो पानी के ड्रॉप के साथ वो जो इंसेक्ट पानी में आएगा तो वो खाता है, तो इसकी ये स्पेशलिटी है और यूनिक है मतलब ये, और ये रेयर आता है जी। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट फिश की वैरायटी, क्या नाम है इसका? ये है अपोलो शार्क है। अपोलो शार्क, हाँ, ये काफी बड़ी है तो ये आप बड़े फिश के साथ रख सकते हैं। ओके। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक गोल्डफिश की काफी खूबसूरत अट्रैक्टिव वैरायटी है, कौन सी गोल्डफिश है ये वाली? रांचो गोल्डफिश है ये, जो फुल ऑरेंज और रेड एंड व्हाइट में दो वैरायटी आपको दिखती है। ओके। और इनके हेड के ऊपर कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लायन हेड है ये, इसकी वजह से आपको वो पैटर्न दिख रहा है। ओके। नॉर्मल फूड लगता है कि कुछ स्पेशल फूड लगता है इनको गोल्डफिश के लिए? आप अगर इस टाइप का गोल्डफिश रख रहे हैं, एक्जोटिक गोल्डफिश में आप बोलेंगे कि ये अनकॉमन रहता है, तो फूड भी आप अच्छा क्वालिटी का ही यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके। गोल्डफिश और कौन सा फूड अवेलेबल होता है इनके लिए? गोल्डफिश के लिए मार्केट में अगर आप बोलेंगे तो पर्टिकुलर गोल्ड फिश के लिए ही बना हुआ फूड आता है। ओके। वो आप लेंगे तो गोल्ड फिश आप हेल्दी और कलर भी उसके ब्राइट रहेंगे। जी जी। रैंचो गोल्ड फिश के बाद अब हम देख रहे हैं दूसरी गोल्ड फिश की वैरायटी, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कौन सी वैरायटी है? ये रुकिंग गोल्ड फिश है, इसका जो पर्टिकुलर शेप है तो वो डिफरेंस रहता है नॉर्मल गोल्ड फिश के कम्पेयर। ओके। जो रैंचो में हमने देखा था डॉर्सल फिन बिल्कुल नहीं थी उसकी, और इसकी डॉर्सल फिन तो काफी खूबसूरत है, और अगर मुंह की तरफ देखेंगे तो आपको ट्रायंगल शेप दिखता है इसका जो। जी। और रैंचो में कैसा रहता है मुंह? नॉर्मल राउंड शेप रहता है, नीचे की तरफ जाता है। ओके। रैंचो और ल्यूकिन गोल्डफिश के बाद अब हम कवर कर रहे हैं तीसरी गोल्डफिश की वैरायटी, यहाँ पे हम देख रहे हैं रेड कैप वरांडा है ये, यानी गोल्डफिश में ये रेड कैप वरांडा। ओके। जो रेड कैप होती है और ओरेंडा होती है, ये रेड कैप ओरेंडा है, दोनों है राइट? बराबर। ओके। और ये वाली वैरायटी? ये भी वरांडा ही गोल्डफिश में जाएगी, ये ब्लैक एंड ऑरेंज में है। ओके। इनके ऊपर जो जेली रहती है वो ज्यादा रहती है। ओके। सिर्फ इन फिशेस की, गोल्डफिश की जो नॉन एग्रेसिव रहती है, इनकी आप फिश टैंक मेट्स हमारे व्यूवर्स को बता दें कि इनके साथ किस किस को हम रख सकते हैं? गोल्डफिश के साथ आप जैसा रेड कैप है, वरांडा गोल्ड है, कॉमन गोल्डफिश है जी, सुबन किन गोल्डफिश आते हैं, ब्लैक मोर आते हैं जी, ये सब के साथ आप रख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे हमने देखी कि चार गोल्डफिश की वैरायटी, अब हम देखते हैं पांचवी गोल्डफिश की वैरायटी। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट गोल्डफिश की वैरायटी, यहाँ पे हम ब्लैक में देख सकते हैं ये वाली है, ये ब्लैक मोर बोलते हैं इसको, गोल्डफिश में ही वैरायटी है ब्लैक मोर, ये भी आप गोल्डफिश के साथ रख सकते हैं। ओके। और इनकी आंखें जरा पॉप्ड आउट होती है, आंख इनकी बाहर रहती है थोड़ी, नॉर्मल गोल्डफिश के हिसाब से टेलीस्कोपिक आए बोल सकते हैं। जी जी। ओके। इसी टैंक में और भी गोल्डफिश की दूसरी वैरायटी है, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये जो है गोल्डफिश में रेड गोल्डफिश है, और इनके फिन्स अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग रहते हैं नॉर्मल गोल्डफिश के, तो इसको आप वेलटेल गोल्डफिश आप बोल सकते हैं। ओके। वेलटेल गोल्डफिश, यानी ये बड़ी बड़ी है इनकी जो टेल बड़ी होती है, फिन्स जो रहते हैं ओवरऑल सब फिन्स उनके बड़े रहते हैं, तो ये बहुत अट्रैक्टिव दिखती है नॉर्मल गोल्डफिश के। कंपैरिजन के लिए हम अगली टैंक में गोल्डफिश देखते हैं। इस टैंक में आप गोल्डफिश देख सकते हो, इन पैटर्न में इनके आप बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, ये थोड़ा साइज छोटा है, लेकिन आप अगर टेल देखेंगे उनके तो इनकी टेल शॉर्ट है थोड़ी, वो जो इससे पहले जो अपन ने देखे वेल टेल गोल्डफिश, तो ये वेल टेल में नहीं जाएंगे, इनके भी फिन्स बढ़ेंगे लेकिन कंपैरेटिव उससे मुकाबले कम बढ़ेंगे। और कुछ बॉडी में भी होता है शॉर्ट बॉडी लॉन्ग बॉडी, ये उनसे उनकी बॉडी लॉन्ग दिख रही थी मुझे। हाँ, तो थोड़ा शेप में फर्क आता है अलग अलग, तो ये लेकिन गोल्डफिश की वैरायटी, गोल्डफिश की वैरायटी है। ओके। क्या साइज की है ये अभी? ये करंटली 3 इंच है। ओके। यहाँ पे एक काफी आई कैची टैंक है जिसके अंदर काफी सारे गोल्डफिश के स्टॉक है, तो ये वाली गोल्डफिश कौन सी गोल्डफिश है? ये कॉमन गोल्डफिश है, इसमें आपको फुल ऑरेंज मिल जाएंगे, कॉपर कलर के है। ओके। तो कॉपर कलर के मिल जाएंगे आपको जी। ये जो है। ओके। और इसका साइज जो है 2 इंच से करीब है। ओके। इनको कैसा फिश फूड खिलाना चाहिए? गोल्डफिश आप पैलेट फूड के ऊपर रखिए तो अच्छा रहेगा, पैलेट फूड आते हैं। ओके। तो काफी खिला सकते हैं आप उनको। ओके। तो हमने देखी 6 से 7 गोल्डफिश की वैरायटीज लवली एक्वेरियम फिश शॉप में, अब हम देख रहे हैं दूसरे फिश की वैरायटी,
और एक अगली गोल्ड फिश की वैरायटी हमने जो मिस आउट की थी यहाँ पे, कौन सी वैरायटी है? ये रेड कैप है, रेड कैप गोल्ड फिश में जाता है ये। ओके, जो हमने एक इससे पहले देखी थी वो थी ओरेंडा रेड कैप, राइट? ओरेंडा रेड कैप, ये भी ओरेंडा और रेड कैप आप बोल सकते हैं, लेकिन इस दोनों के क्वालिटी में फर्क आता है। ओके, जैसे आप ग्रेड वाइज ये करेंगे तो उसका तो हेड जो है जी इससे पहले वाले की बहुत खूबसूरत थी। ओके, गोल्डफिश के बाद अब हम देख रहे हैं कोई फिश की वैरायटीज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग वैरायटी की गोल्डफिश है, हम इनकी फीडिंग भी देखेंगे अभी। ये जैपनीज कोई है, जैपनीज कोई है। हाँ, इसमें जो रेड और वाइट पैटर्न देख रहे हैं आप पर्टिकुलर, ये इसको कुआकू वैरायटी बोलते हैं। ओके ओके, और जो बटरफ्लाई टेल है जो ब्लैक और येलो शेड के कॉम्बिनेशन है, हाँ, कॉर्नर में देखिए, ये कुबोतो कोई बोलते हैं इसको। और एक जो है येलो एंड व्हाइट, ये भी एक है, बाकी तो स्टॉक आते रहता है। क्या साइज बताना चाहेंगे इनकी? इनकी साइज अभी 5 inches एंड अबव है, डिफरेंट साइज है। ओके, फीडिंग देख लेते हैं हम इनकी। और इसके अंदर एक वैरायटी भी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे पीछे बहुत बड़ी साइज की फिश है। ये वाली कौन सी फिश है? ये ब्लैक गोस्ट है, ये फुल साइज की ब्लैक गोस्ट है। ओके, क्या साइज की रहेगी इसका? तकरीबन साइज है 13 inch। ओके, मतलब 1 feet से कुछ ऊपर से भी ऊपर है। ओके, और इस टैंक के बारे में आप बता सकते हैं? ये टैंक इन्वर्टेड बोले थे लास्ट वीडियो में, ये ओपन बॉटम टैंक है। ओपन बॉटम, हाँ, नीचे से जो बॉटम रहता है वो खुला रहेगा। ओके, तो फिश ऊपर आके खाना खाती है या फिर घूमने के लिए भी ऊपर आ सकती है। ओके, तो ये थी कोई फिश की टैंक। अब हम देख रहे अगली साइज की कोई फिश। यहाँ पे कौन सी कोई है अगर हम कंपेयर करें उस पहली वाली कोई फिश से? एक कॉमन कोई फिश है। ओके, इसमें आपको फुल ऑरेंज है, ब्लैक एंड वाइट है जी, ब्लैक ऑरेंज है, 3-4 कलर दिखते रहेंगे आपको। ओके, ठीक है, और इसकी भी साइज काफ़ी बड़ी होती है जी, और कलरफुल फिश में कोई बड़ी साइज में लोग काफ़ी रखते हैं। क्या मैक्सिमम साइज रीच करती है ये? डिपेंड ऑन क्या कंडीशन में आप रखते हैं, क्या साइज का एक्वेरियम है आपके पास जी, वो हिसाब से 12 inch या उससे बड़े भी हो सकते हैं। ओके, ये इनकी साइज पिछले कोई फिश की साइज थी 5 inch, इनकी साइज आपने बताई? ये 2.5 inch के है अभी। ओके, अब हम देख रहे हैं एंजल फिश की वैरायटी। सबसे पहली वैरायटी इसके अंदर हम देख रहे हैं, काफ़ी शाइनी इनका पैटर्न है। क्या बोलना चाहेंगे, इनका क्या नाम है? ये एंजल जो है प्लैटिनम डायमंड वैरायटी है एंजल में। ओके ओके, इसके बॉडी पे आप अगर देखेंगे तो शाइन है, पूरा बॉडी जो है डायमंड तरीके का चमकता है जी जी जी। तो जैसा ये साइज ग्रो करेगा और उसका पैटर्न जो डायमंड है और ज़्यादा दिखने लगेंगे आपको, तो और बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा आपको। क्या करंट इनकी साइज है अभी? ये करंट साइज है 2.5 inch की। ओके, और कितनी साइज अटेंड कर लेती है ये फिश? एंजल 5-6 inches की साइज अटेंड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगली एंजल फिश की वैरायटी। क्या नाम है इस फिश का? आप देख रहे हो कि इसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स है बॉडी के ऊपर। ये ब्लू एंजल है, ब्लू एंजल। इसके फिन्स अगर आप देखेंगे जी जी, तो पूरा ब्लू शेड आता है, और अभी ये स्मॉल साइज है 2.5 inch के करीब। ओके, तो जैसा ये एडल्ट साइज में जाएंगे तो और इसका ब्लू पैटर्न जो है खुल के दिखने लगेगा, और ये काफी खूबसूरत दिखते है, जो शाइनिंग है ब्लू शाइनिंग आता है जी जी जी। ये भी सेम साइज की आपके पास? हाँ, 2.5 inch की है ये। ओके, नेक्स्ट वैरायटी यहाँ पे एंजल फिश की कौन सी वैरायटी है ये? ये मार्बल एंजल है, ये कॉमन एंजल में जाता है, जो मतलब आपको सभी जगह मिलेगी। ओके, क्या साइज है इनकी? इनकी थोड़ी छोटी साइज है, ये 2 inch के करीब है। और भी एंजल फिश की वैरायटीज है, साइजेस भी अवेलेबल है एंजल फिशेस में। हम देख रहे हैं नीचे वाली टैंक यहाँ पे, ये थोड़ी स्मॉल साइज है 1.5 inch के करीब। इसके अंदर 2-3 वैरायटीज दिख रही है, कौन सी कौन सी? फिंगर पॉइंट मार्बल वैरायटी है जो आपको ऊपर में अभी जस्ट जी जी देखी, ये जो है वाइट एंजल है रेगुलर में अपना। ओके, प्लेन है वाइट जी, और ये इसको जेब्रा एंजल बोलते हैं, जो ये जो है ये जेब्रा एंजल है। ओके, तीन वैरायटीज है इसके अंदर। और क्या साइजेस है? ये 1.5-2 inch के करीब है ये। ओके, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट
एंजल फिश यहाँ पे, इसके अंदर कौन सी साइज है? ये साइज 1.5 इंच से 2 इंच के करीब है। ओके। और ये जो वैरायटी है इसका नाम है स्कार वेल्टेल एंजल है। इसके जो फिन्स आप देखेंगे जी जी, तो लॉन्ग दिखेंगे अभी कंपेयर टू अभी नॉर्मल एंजल के। तो इसके जो फिन्स लॉन्ग रहते हैं जी जी, और ये काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं बड़े होने के बाद। ओके। क्योंकि फिन्स का साइज भी उसी कंपैरिजन में बढ़ता है जैसा फिश का ग्रोथ होता है। ओके। अब हम देख रहे हैं पैरेट फिश की टैंक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक काफी अट्रैक्टिव पैरेट फिश टैंक का सेटअप किया हुआ है इन्होंने। इसके अंदर कौन से पैरेट्स हैं और क्या क्या साइजेस हैं इन पैरेट फिशेस की? इसमें आप देखते रहेंगे तो रेड कलर के जो है वो रेड पैरेट है जी। ओके। और जो येलो दिख रहे हो येलो पैरेट है। ओके। और ये स्मॉल साइज में है जी जी। तो ये जो है ये तकरीबन 2.5 इंच 2 इंच के करीब है। ओके। और यहाँ पे काफी बड़े साइज के पैरेट्स मुझे दिख रहे हैं, ये वाले क्या साइज है इनकी? इनकी करंट साइज है 6 इंच प्लस। 6 इंच प्लस। हाँ। ओके। और सेटअप के बारे में एक शॉट में ब्रीफ दे देंगे आपकी, क्या सेटअप में आपने यूज किया हुआ है? ये एक थीम बनाते हैं हम लोग, जैसा आपको देखता रहेगा ड्रिप टूड है जी, रॉक्स है, पर्टिकुलर एक फिश भी अट्रैक्टिव दिखता है, और ये जो सैंड है ये भी पर्टिकुलर सैंड आती है, जो इसमें काफी वैरायटी आती है 2-3 वैरायटी। ओके। तो और जो स्टोन डाला हुआ है जी जी, वो लाइम स्टोन है, मतलब पानी का तो हार्डनेस थोड़ा बढ़ा रहा है, तो ये चिचलिड वैरायटी होने के कारण ये इसमें कंडीशन और कलर आपको और अट्रैक्टिव दिखेंगे कंपेयर टू नॉर्मल आप अगर प्लेन रख रहे हैं तो। ओके। और इसके अंदर आपने ये फिश रखी है, क्या नाम है इसका? ये नॉर्मल सकर फिश है। ओके। ये ग्लास क्लीन कर। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट फिश की वैरायटीज, कौन सी फिश है ये? ऑस्कर फिश है। इसमें दो वैरायटी आप देख सकते हैं, मतलब दो, एक जो है फुल रेड है और एक कॉपर कलर है। ओके। ये जो फुल रेड है ये अल्बिनो में फायर रेड बोलते हैं ये वैरायटी। फायर रेड। इसके आग भी लाल होती है ये वाले, और जो दूसरे जो वैरायटी है जी जी, जो डार्क कलर की दिख रही है आपको, ये कॉपर में है। ओके। कॉपर में, तो इनके आग जो है ब्लैक होती है। ओके। दोनों ही ऑस्कर है, साथ में रख सकते हैं आप, और बहुत कलर अट्रैक्टिव होने की वजह से लोग काफी ऑस्कर पालने वाले हैं जी। और इनको फूड काफी पसंद होता है, फूड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनको कितने बार फीड करना चाहिए, कैसा फूड देना चाहिए, कितने बार देना चाहिए फीड? आप ऑस्कर को मिनिमम 2 टाइम आप पीजिए, क्योंकि एग्रेसिव फिश है, या 3 टाइम भी कर सकते हैं। और पैलेट फूड ये शौक से खाते हैं। ओके। बाद में श्रिम्स भी खा सकते हैं अगर स्टिक्स फॉर्म में आता है, तो ऑस्कर है मल्टीपल वैरायटी का फूड खाते हैं और ये एग्रेसिव होते हैं। अब हम कवर कर रहे हैं सिकलिट टैंक, तो इसके अंदर कौन से टाइप्स की सिकलिट्स है? ये मलावी सिकलिट्स है सब। ओके। और इनके आप देखेंगे तो बनाना जो है बनाना चिकलेट है, स्ट्रॉबेरी है जो प्लेन व्हाइट दिख रहे हैं आपको, बाद में हल्का येलो कलर दिखता रहेगा आपको, ये देखिए ये इसमें जैसे रेड कोडेंगो येलो कोडेंगो, ऐसे 4 से 5 वैरायटी मिक्स है सब, ये मलावी चिकलेट है। और क्या साइज है इनकी? ये रेगुलर 2 इंच की साइज है। ओके। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट फिश, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफी अनकॉमन फिश वैरायटी है, क्या बोलेंगे इसके बारे में? इसको ब्लू पैरेट बोलते हैं या फिर पोलर ब्लू पैरेट भी बोलते हैं। ओके। तो हल्का शेड इसका ब्लू शेड आते जाता है, और ये भी नॉर्मल पैरेट के तरीका ही बढ़ता है। ओके। और काफी अट्रैक्टिव दिखता है, अभी तो ये छोटी साइज में है 1.5 से 2 इंच में, ये जैसे इसका साइज ग्रो करेगा इसका पैटर्न और कलर और खुल के दिखना चालू। बिहेवियर कैसा होता है इसका? ये एग्रेसिव वैरायटी है, तो आप मतलब सिटलिट वैरायटी में रख सकते हैं जी जी, और मतलब एग्रेसिव फिश के साथ आप रख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट वैरायटी इसके अंदर है ये शिवराम है, रेड शिवराम छोटे साइज की जो है, और ये जो उसके बाजू में देख रहे हैं कॉमन शिवराम है, जो ये प्लेन येलो है, इसके बॉडी के ऊपर आपको पैटर्न नहीं दिखेगा, और ये जो है इसके आप देखेंगे तो पैटर्न दिख रहा है, वो और ब्राइट हो जाएगा जैसा बड़ा होता है। ये जो अभी है करंट साइज 2 इंच के करीब है, ये भी 1.5 से 2 इंच। यहाँ पे अगली वैरायटी है ये लेपर्ड बुश फिश बोलते हैं इसको, ये भी आप एग्रेसिव बोल सकते हैं इसको जी। इसके मुकाबले मतलब इसके साइज के हिसाब से ही मछली आप डालना चाहिए, अगर छोटे फिश आप डालेंगे तो ये उसको खा जाएगी, और काफ़ी ये 6 to 8 इंच साइज तक ग्रो होता है, और कलर पैटर्न में काफ़ी अट्रैक्टिव है वो, अगर आप देखेंगे जी। तो अभी पूरे टैंक में वो आपको हाईलाइट हो रही है जी जी जी, काफ़ी स्पॉट्स जो है इसके आई कैची स्पॉट्स है। कितनी साइज तक ये अटेंड कर लेती है, और अभी फिलहाल कितनी साइज है इसकी? अभी साइज है 1.5 से 2 इंच के करीब है ये। ओके। और इसका 6 to 8 इंच का साइज अटेम्प्ट कर लेती है, बाकी आप कैसा उसको कंडीशन दे रहे हैं, फीड कैसा दे रहे हैं, टैंक की साइज उसके हिसाब से रहता है।
अब हम कवर कर रहे हैं ये टैंक, इसके अंदर दो से तीन वैरायटीज है। कौन कौन सी वैरायटीज है इसके अंदर? इसमें आपको तीन वैरायटी, जो राउंड शेप का दिख रहा है ये सिल्वर डॉलर है। ओके। और जो था ये जो दिख रहा है जिसके ऊपर स्पॉट है जी, ये सिक्लेड वैरायटी में आता है। ओके। ये जो है टेक्सास वैरायटी है जी। और एक जो है आप कॉर्नर में देख सकते हैं जी जी जी, नीचे ये जो है ब्लू आकारा बोलते हैं इसको, नियॉन आकारा। ये बड़ा होने के बाद काफी खूबसूरत कलर आता है, इस पर टेल को येलो कलर आएगा जी जी। और फिन्स जो जो है उस पूरा येलो हो जाता है साइड से, और जो ब्लू मार्किंग दिख रही है मुंह के तरफ जी जी, आपको अगर जूम करेंगे आप जी तो, जी जी। तो वो भी ब्राइट होती जाती है बड़ा होने के बाद, खूबसूरत दिखता है। और टेक्सास का भी देखेंगे तो स्पॉट जो है बड़े होने के बाद काफी खूबसूरत दिखते हैं। नेक्स्ट टैंक हम देख रहे हैं, इसके अंदर भी दो से तीन वैरायटीज है, सबसे पहले कौन सी बताएंगे आप? सबसे पहले तो जो फेवरेट काफी लोगों को मालूम रहेगा जो फ्लावर ऑन फिश है, ये रेड ड्रैगन फ्लावर ऑन फिश है जी, जो फेंग शुई के हिसाब से हेड की वजह से काफी पॉपुलर है। ओके। अगली फिश, अगली फिश आप देखेंगे तो रेड कलर का, ये रेड स्पॉटेड शिवराम बोलते हैं इसको, स्पॉट्स है इसके ऊपर। हाँ, इसका पैटर्न जैसा बड़े होते जाएगा तो पैटर्न और आपको खुल के दिखेगा। okay. और ये जो है 6 inches नियर बाय 8 inch तक होती है। ओके। okay. और एक कैटफिश वैरायटी है इसमें जी, आप जी, देखते रहेंगे तो ये टाइगर शोवेल नोज कैटफिश है, ये भी जायंट फिश में आप रख सकते हैं। अच्छा। एग्रेसिव में है, काफी बड़ी साइज होती है इसकी। और जो चौथी वैरायटी है आप गुरामी में देख सकते हैं, ब्लू गुरामी है इसमें। okay. और एक वाइट गुरामी है। okay. ऐसे तीन से चार वैरायटी के ये सब साथ में रखे हैं जी। अब हम कवर कर रहे हैं स्मॉल साइज फिश वैरायटी, सबसे पहले हम लोच वैरायटीज कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहली वैरायटी लोच की कौन सी है? ये लोच में जो है ये क्लाउन लोच बोलते हैं इसको, इसके बॉडी के ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के बेल्ट है और फिन्स जो है हल्के रेड है, तो जैसे इनकी साइज ग्रो करेगी जी जी। तो इनके जो फिन्स का रेड कलर भी आपको ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके। और ये काफी अट्रैक्टिव दिखती है। यहाँ पे क्लाउन लोच के बाद अगली वैरायटी है ये कंबोडियन लोच बोलते हैं ये वैरायटी को। ओके। ये जो देख रहा हूँ इसकी बॉडी काफी नैरो है, लंबी है इसकी बॉडी, और इसके ऊपर आप पैटर्न भी देख सकते हैं जो खूबसूरत है काफी। जी जी। और ये कैसी बॉटम में ही रहती है टैंक के? हाँ, ये बॉटम में ही रहती है एक्चुअली, ये फिश आप रखना चाहिए क्योंकि जो भी आपका एक्सेस फूड रहता है जी, जो भी, तो ये खा लेती है, तो उसके वजह से आपका टैंक का जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहता है। ओके। कैसा कोई जी, भी आप ले लीजिए लोचे सब रख सकते हैं। अच्छा। इनको कैसा फूड लगता है? बॉटम में रहती है तो बॉटम फूड इनको लगता है? हाँ, सिंकिंग फूड में आप लेंगे तो अच्छा रहता है, टेट्राबिट भी होता है और काफी सारे सिंकिंग फूड आपको मिल जाएंगे जो ये शौक से खाती है। ओके। यहाँ पे है थर्ड लोच की वैरायटी, ये कौन सी लोच है? ये कुली लोच बोलते हैं ये वैरायटी को, ये ज्यादा बड़ी नहीं होती है जी। और ये टेट्रा के साथ आप रख सकते हैं, फ्रेंडली रहता है, डिस्टर्ब नहीं करेगी आपका, मतलब उसको तकलीफ नहीं देगी जी जी। और काफी खूबसूरत रहता है ये। और बाकी तो लोचेस वैरायटी है तो जैसा सिंकिंग फूड आप इसको यूज कर सकते हैं। और लोच वैरायटीज कैसे किसके साथ रह लेती है? डिपेंड, अभी ये जो है नॉन एग्रेसिव में भी आता है, कोई लोचेस आते हैं जो एग्रेसिव रहते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा मैं जी जी जी। तो ये नॉन एग्रेसिव में, तो ये आप टेट्रा के साथ या नॉर्मल जो एग्रेसिव फिश नहीं रहते उनके साथ आप रख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं फोर्थ लोच की वैरायटी, क्या नाम है इस लोच का? ये जेब्रा लोच है। जेब्रा लोच, लोच ऐसा क्यों नाम पड़ा इसका? इसका पर्टिकुलर पैटर्न आप देख सकते हैं स्ट्राइप्स है, तो इसकी वजह से इसको जेब्रा लोच बोलते हैं। okay. आप देख सकते हैं पैटर्न बहुत ही खूबसूरत पैटर्न जी जी जी। और अनलाइक अदर लोचेस ये फिश जो है ऊपर भी तैरती नीचे भी तैरती है, तैरती और थोड़ा कुली लोच और वो लोच से थोड़ी बड़ी साइज होती है ये। ओके। साइज भी इनकी एज कम्पेयर टू अदर लोचेस बड़ी होती है। ओके। ये अब हम कवर कर रहे हैं पांचवी लोच की वैरायटी, क्या बताएंगे इसका नाम? ये बोटिया लोच बोलते हैं ये वैरायटी को जो आप देख रहे हैं। जी जी। ये एग्रेसिव रहता है लोच में ही है ये एग्रेसिव, आप सिक्लिड वैरायटी के साथ या जो एग्रेसिव फिशेस रहते हैं जैंट फिशेस रहते हैं उनके साथ आप इनको रख सकते हैं। इसमें दो कलर आते हैं अभी, ब्लू और ये रेड, ये जो है रेड बोटिया है। ओके। इसमें ब्लू बोटिया भी आता है। और बड़ी होती है ये साइज में? हाँ, ये और थोड़ी बढ़ेगी साइज में। अच्छा। हाँ, और ये भी स्कैवेंजर का काम करते हैं क्योंकि सिक्लिड टैंक में भी आप फूड डालते हैं, सिंकिंग फूड यूज कर सकते हैं जी जी जी, तो वो आपका बैलेंस मेंटेन रखेगी। ओके। अब हम देख रहे हैं कॉरिडोरा फिश की वैरायटी, सबसे पहले ये वाली हम कॉरिडोरा देख रहे हैं, क्या नाम है इसका? अल्बिनो कॉरिडोरा बोलते हैं इसको, अल्बिनो कॉरिडोरा कॉरिडोरा। यहाँ पे हम देख रहे हैं नेक्स्ट कॉरिडोरा की वैरायटी, ये वाली कौन सी है? एक ग्रीन कॉरिडोरा वैरायटी है ये, जो इसके ऊपर स्पॉट ग्रीन कलर का है। ओके।
ग्रीन कॉरिडोरा के बाद अब हम देखते हैं अगली कॉरिडोरा की वैरायटी। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्विफ्टली मूविंग कॉरिडोरा की वैरायटी। ये कौन सी वैरायटी है? ये लेपर्ड कॉरिडोरा है, आप पैटर्न उसके ऊपर देख सकते हैं। लेपर्ड का पैटर्न है, लेपर्ड का जी, और काफी फास्ट मूविंग है ये फिश एज कम्पेयर टू अदर कॉरिडोरास। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक अगली कॉरिडोरा की वैरायटी। ये कौन सी वैरायटी है? ये स्टर्बी कॉरिडोरा बोलते हैं इसको, स्टर्बी कॉरिडोरा। स्टर्बी कॉरिडोरा, इसका भी अलग पैटर्न रहता है, पूरा मार्किंग जो है स्पॉट जॉइंट है, देखिए लेपर्ड के ऊपर वो जी 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 नहीं था। अगली वैरायटी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये गोल्ड लाइन कॉरिडोरा है। गोल्ड लाइन, इसके ऊपर गोल्ड लाइन है इसलिए। हाँ, और ये नया वैरायटी है, मतलब काफी लोगों ने देखा नहीं रहेगा, फर्स्ट टाइम आया है हमारे पास भी ऐसा। और कॉरिडोरा सब कैटफिश में ही जाता है, कॉरिडोरा वैरायटी है। ओके। और ये स्मॉल फिश के साथ आप रख सकते हैं, एग्रेसिव नहीं होते ये वाले। अब हम देखने वाले गप्पी फिश की वैरायटी। सबसे पहले गप्पी फिश टाइप हम कवर कर रहे हैं, ये वाली यहाँ पे इसके अंदर है, ये रेड पर्पल गप्पी है, रेड पर्पल। हाँ, इसका भी अगर आप शेड देखेंगे तो पर्पल और रेड है। ओके। एक्चुअली लाइट की वजह से आपको कलर दिखता नहीं रहेगा बराबर, तो आप अगर नॉर्मल मतलब देखेंगे तो इसका पैटर्न कलर जो है पर्पल और रेड दिखेगा। ओके। गप्पीज को अगर बात करें फूड की, तो इनको कैसा पैलेट का फूड लगता है? ये माइक्रो पैलेट या फ्लेक्स फूड आप खिला सकते हैं, ये शौक से खाते हैं। पैलेट की साइज छोटी होनी चाहिए मुंह के हिसाब से। ओके। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट गप्पी फिश की वैरायटी यहाँ पे, ये कौन सी वैरायटी? इसमें दो वैरायटी, आप एक येलो गप्पी है और एक रेड में है। ओके। और ये अभी और साइज ग्रो होगी, अभी तो करंटली मीडियम साइज है, तो और इसके थोड़ी साइज बढ़ेगी तो इसके फिन जो है डेवलप होंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं थर्ड गप्पी फिश की वैरायटी इसके अंदर। इसमें आप देखेंगे तो असॉर्टेड गप्पी है, मतलब सब वैरायटी, काफी सारे पैटर्न है इसमें। जी जी। जैसे कोबरा है, लेस में आते हैं जिसमें हल्का पैटर्न रहता है, लेस वैरायटी है ये, देखिए ये। जी जी जी। ये पर्टिकुलर, हाँ, बाद में रेड प्लेन में है, कोबरा में है। ओके। तो आपको काफी कलर दिखते रहेंगे, चार पांच वैरायटी है इसमें। अब हम देख रहे हैं अगली गप्पी वैरायटी यहाँ पे, ये जो है एडलर गप्पी बोलते हैं इसको। ये टाइनी होता है, मतलब टाइनी बोलेंगे तो नॉर्मल गप्पी के हिसाब से जी जी। इसका साइज जो है छोटा होता है, मतलब बढ़ने के बाद भी ये ज्यादा ग्रो नहीं करता है। अगर तो बात करें सारे गप्पी में तो ये सबसे टाइनी वैरायटी गप्पी की। हाँ, ये है एडलर वैरायटी, एडलर गप्पी बोलते हैं, एडलर गप्पी। और ये जो है आप नैनो टैंक में काफी फेमस वैरायटी है, क्योंकि छोटे टैंक में अट्रैक्टिव दिखता है। जी जी। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट गप्पी फिश की वैरायटी, क्या नाम है इनका? ये जो है एलिफेंट ईयर गप्पी बोलते हैं ये वैरायटी को, एलिफेंट ईयर गप्पी। एलिफेंट, इसके जो देखेंगे आप तो फिन्स आपको बड़े दिखेंगे। जी जी जी। हाँ, और ये फीमेल है। ओके। उसके भी फिन्स आप देखेंगे तो बड़े दिखेंगे, जो इसके इधर है इसके। जी जी। इनके कान बड़े होते हैं इसलिए नाम एलिफेंट ईयर है। और ये काफी खूबसूरत है, और ये जो स्ट्रेंथ है ये प्योर स्ट्रेंथ है, इसका पैटर्न बहुत खूबसूरत है। ओके। अब हम कवर करने वाले मॉली फिश की वैरायटी। सबसे पहले एक मोस्ट अट्रैक्टिव मॉली फिश की वैरायटी हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिनके ऊपर आप देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन है, क्या नाम है इनका? ये सेंटा क्लॉज शॉर्ट टेल है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो रेड एंड व्हाइट पर्टिकुलर पैटर्न है, इसकी वजह से इसका नाम जो है सेंटा क्लॉज शॉर्ट टेल पड़ा है। ओके। सेंटा क्लॉज मॉलीज के बाद अगली वैरायटी है यहाँ पे, दो वैरायटी है, राइट? ब्लैक एंड, हाँ, दो वैरायटी है। ये जो है एक व्हाइट दिख रहा है आपको, ये बलून में है, व्हाइट ऑरेंज जो पूरे दिख रहे हैं, ये बलून मॉली है इसके जो, और दूसरा जो है इसके साथ में जो है ये चॉकलेट मॉली है, जिसका येलो और ब्लैक कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। ओके। यहाँ पे अगली मॉलीज हम कवर कर रहे हैं, ये सब असॉर्टेड मॉली है, इसमें तीन कलर है, ऑरेंज है, ब्लैक है और येलो है, जो बिगनर और रेगुलर में लोग रखते हैं। ओके। कवर कर रहे हैं अब हम नेक्स्ट वैरायटी यहाँ पे, ये जो है ये टेंजलिन है, ये पूरा रेड होता है और काफी अट्रैक्टिव दिखता है। ओके। मॉली फिश लुक अलाइक है बट मॉली फिश नहीं है, राइट? हाँ, ये शॉर्ट टेल में जाता है, तो फैमिली थोड़ी अलग अलग रहती है, बाकी मॉली टाइप ही है। नेक्स्ट फिश की वैरायटी अब हम देखेंगे, काफी खूबसूरत वैरायटी है इसके अंदर, क्या बताएंगे इसका नाम? ये जो स्ट्राइप्स दिख रहे हैं जी, जिसके ऊपर, वो निग्रो बार्ब है, बार्ब वैरायटी है, बार्ब वैरायटी, बार्ब वैरायटी। और इसके साथ में और एक वैरायटी है सिल्वर कलर, जिसके फिन्स रेड है, तो रेड, तो ये लेमन फिश बार्ब है, लेमन फिश बार्ब। ओके।
अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट वैरायटी, क्या नाम है इनका? ये जो है बार्ब वैरायटी में जाता है, इसका ओडेसा बार्ब करके वैरायटी है। आप देखते रहेंगे तो उसके सेंटर में ऑरेंज लाइन है और ये जितना मच्छी का कंडीशन ज़्यादा उतना आपको ये ब्राइट दिखते जाएगा और ये प्लांटेशन में बहुत खूबसूरत कलर शो करता है। आप देखते रहेंगे अभी आपको अच्छा कलर उनका दिखता है। नेक्स्ट टैंक हम देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी फिश की वैरायटीज है। सबसे पहले कौन सी आप बताएंगे? एक अपनी ओडिशा बार्ब जो देखा उसमें आपको एक बड़ी साइज देखती रहेंगी। जी जी, काफी खूबसूरत है जी। ठीक है, बाद में ये टैंक में मोस्ट ऑफ द सब आपको रेनबो फिश मिलेंगी। जैसा ये जो है फर्स्ट दिख रहा है जी जी। इसके बॉडी पे ब्लू कलर का शाइन आएगा। ओके, ये नियॉन रेनबो बोलते हैं। ओके, ये प्लांटेड की सब फिशेस है। इसके बाद में आप देखेंगे एक येलो कलर का जो शेड है इसके ऊपर, ये बोस्मानिया रेनबो बोलते हैं। ओके, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये जो है एक देखिए ब्राउन, ये स्कारलेट रेनबो या रेड रेनबो में भी बोल सकते हैं आप जी जी। ये एक वैरायटी। और ये जो है जिसके टेल रेड है जी जी, बड़ा पीस है ये और ब्लैक लाइन है, तो वो जो है ऑस्ट्रेलियन रेनबो बोलते हैं। ओके, तो ऐसे चार एक वैरायटी के रेनबो है इसमें। और एक वैरायटी है जो प्लांटेशन में काफी खूबसूरत कलर दिखाते हैं, कॉन्गो टेट्रा। ये जो है आप देखते रहेंगे, इसका बॉडी जैसा साइज बढ़ता है फिशेस का, आपको कलर एकदम ब्राइट आ जाएंगे इसके। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिश की वैरायटीज। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि दो फिश की वैरायटीज है, क्या नाम बताएंगे सबसे पहले फिश की? सबसे पहले जो ब्लैक लाइन वाले है वो अपन देखेंगे, जो ब्लैक लाइन जिसके है देखिए ये वाली सियामीज अल्गेटर बोलते हैं। सियामीज अल्गेटर ये जो है प्लांटेड टैंक में है, अलगी काफी शौक से खाते है, ब्राउन ब्रेड अलगी करके, तो अल्गेटर फिश भी इसको बोलते हैं इसके लिए। नेक्स्ट फिश। और इसके साथ दूसरा आप देखते रहेंगे जिसके आईज के ऊपर ब्लू कलर का है, तो ये नाम के इसका लैम्प है। ओके, तो उसके ऊपर से इसका नाम लैम्प है, आग भी इसकी लैम्प की तरह चमक रही है। हाँ, और ये काफी ब्राइट दिखती है। अभी आपको वीडियो में कितनी दिखती रहेगी पता नहीं, लेकिन आप सामने देखेंगे तो बहुत खूबसूरत दिख सकती है लाइव। इनकी आईज तो हम देख सकते हैं कि आईज इनकी काफी उज्जवल ब्राइट हो रही है लैम्प की तरह, और ये प्लांटेड टैंक में सूटेबल है। ओके, अब हम देखेंगे टेट्रा फिश वराइटीज, या जो प्लांटेशन टैंक्स में जाती है वो वाली वराइटीज अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहली प्लांटेशन फिश वराइटी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो है डेनासोनिक वैरायटी है। डेनासोनिक इसका जो है ऑरेंज कलर की लाइन आएगी इसके ऊपर, और बड़ी साइज है ये, अभी 5-6 inch की साइज है ये, और ये प्लांटेशन में काफी अच्छी रहती है। प्लांटेशन में मैंने सुना है इनका कलर और भी निखर के दिखेगा, और भी निखर के दिखेगा इनका प्लांटेशन में कलर। और आपके पास और एक छोटी साइज भी है इनकी, राइट? हाँ, वो भी देखते हैं। तो इसके पहले हमने देखी 5 inches की डेनासोनिक फिश, अब हम देख रहे हैं थोड़ी छोटी साइज की डेनासोनिक फिश, इनकी क्या साइज है? इनकी 2 inch साइज है, आप देख सकते हैं। प्लांटेशन में ये काफी खूबसूरत कलर दिखाता है। okay. और ये आप 4-6 ऐसा नंबर में लेंगे तो और अट्रैक्टिव ग्रुप में घूमते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे टेट्रा फिश की वैरायटी। सबसे पहले टेट्रा वैरायटी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये कौन सी वैरायटी? ये नियॉन टेट्रा है, मोस्ट कॉमन टेट्रा, मतलब अगर कोई टेट्रा का नाम लेता है तो पहला यही फिश लेता है, और अट्रैक्टिव दिखता है, लोग काफी पसंद करते हैं। एज अ टेट्रा में नियॉन टेट्रा काफी फेमस है, बोलेंगे तो। ओके, इनको पहचाने कैसे? एक नियॉन स्ट्राइप्स है बॉडी के ऊपर। हाँ, बॉडी के ऊपर नियॉन स्ट्राइप्स है, और नीचे जो है मतलब पेट से लेके टेल तक, मतलब उसका जो है रेड कलर रहेगा। ओके, सेकंड टेट्रा फिश की वैरायटी हम देख रहे हैं, इसमें जो ब्लैक स्पॉट है जिसके ऊपर, जो ये जो है ब्लैक फैंटम बोलते हैं। ब्लैक फैंटम, हाँ, ये सब आप प्लांटेशन में रख सकते हैं। okay. जो भी अभी हम लोग देख रहे हैं। और ये सेकंड वैरायटी जो है जिसका मुंह रेड है जी, ये जो है रमिनोज है, ये जो ब्रिलियंट रमिनोज है, इसके बॉडी के ऊपर आप देखेंगे तो हल्का शाइन है जी जी जी। तो ये नॉर्मल रमिनोज से ये डिफरेंट है, नॉर्मल रमिनोज भी अपन देखेंगे। ओके, यहाँ पे हम नेक्स्ट रमिनोज देख रहे हैं, ये वाली, ये जो है नॉर्मल जो कॉमन रेमिनोज आते हैं। okay. इसका भी मुंह के ऊपर लाल कलर, खाली जो शाइनिंग जो है जी जी, वो नहीं रहेगी इसको। और कौन सी वैरायटीज है इस टैंक में? इसमें जो ये ऊपर है जिसके फिन्स आप लॉन्ग देख रहे हैं, अभी तो ये छोटी साइज है, करके कलर और इसका ब्राइट होगा, ये जो है फेदर फिन रेनबो बोलते हैं इसको। ओके, okay. और दूसरी वैरायटी इसके अंदर है? इसमें जो ब्लैक लाइन जो दिख रही है, ये जो है सियामीज अल्गेटर बोलते हैं, ये जो है प्लांटेड टैंक में अल्गी खाने के लिए काफी मतलब यूजफुल फिश है। ओके, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टेट्रा फिश की टैंक, इसके अंदर है कितनी टेट्रा फिश की वैरायटी? 3 वैरायटी है, जो ऑरेंज लाइन जो दिख रही है आपको, ये ग्लोलाइट टेट्रा बोलते हैं इसको। ओके, ठीक है, इसके बाद में आप थोड़ा ऊपर देखेंगे जी, ये जो है
ये हर्लिक्विन राज बोरा बोलते हैं इसको। ओके हाँ, और थर्ड नंबर पे जो है ऊपर है ये जो है ब्लैक नियॉन है, जैसा ब्लू नियॉन होता है उसी के तरीके से ब्लैक नियॉन आता है। तो तीन वैरायटीज है, तीन वैरायटी है देख रहे हैं यहाँ पे। अगली टैंक यहाँ पे है ये वाली फिश, ये व्हाइट फिन टेट्रा है ये। ओके और इसके साथ में जो आप थोड़ा ऊपर देखेंगे जी जी, तो ये जो है फ्लोरोसेंट जेब्रा, ये नया वैरायटी है एक्चुअली। ओके फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर है इसका, तो काफी अट्रैक्ट होता है। जी जी जी, अट्रैक्टिव होता है ये। यहाँ पे हम देख रहे हैं अगली टेट्रा, ये जो है ये पल्चर टेट्रा है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो ब्लैक टेल के ऊपर, टेल के ऊपर भी एक ब्लैक स्पॉट है जी, और आग के पीछे, पीछे भी एक ब्लैक स्पॉट है। काफी अट्रैक्टिव दिखती है, अभी तो स्मॉल साइज में है ये जी जी। थोड़ा और बढ़ेगी तो और अट्रैक्टिव दिखेगी। नेक्स्ट वैरायटी टेट्रा की हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये हॉकी स्टिक वैरायटी है, बिगिनर के हिसाब से हार्डी फिश और जी जी। काफी टाइम से मार्केट में, मतलब काफी पेंगुइन टेट्रा भी इसको बोलते हैं। ओके अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टेट्रा की वैरायटी, इसके अंदर कौन सी वैरायटी है ये? ये कार्डिनल टेट्रा है, ये आपको दिखने के लिए नियॉन सरीकी की दिखती रहेगी जी, लेकिन इसका अगर आप देखेंगे माउथ टू टेल पूरा रेड कलर होता है। ओके। जो नियॉन में नहीं होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, और ये रेड कलर ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। ये स्मॉल साइज है अभी। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टेट्रास एक सेटअप टैंक में, यहाँ पे कौन सी टेट्रास है? इसमें सब फ्लोरोसेंट जेब्रा है, फ्लोरोसेंट जेब्रा है। जैसे आप ये देखेंगे तो ब्लू है जी पर्टिकुलर, बाद में ये देखेंगे तो फ्लोरोसेंट अल्बिनो में फ्लोरोसेंट ग्रीन। ओके ठीक है, उसके पीछे आप देखेंगे तो ये अल्बिनो में येल्लो है, फ्लोरोसेंट येल्लो। तो इसमें टोटल आप देखेंगे तो, और ये प्लेन अल्बिनो है जो एकदम वाइट दिख रहा है आपको अल्बिनो, तो टोटल 4 to 5 टाइप्स के आप जेब्रा देख सकते हैं, जो ये जो है अनकॉमन है, सब नई वैरायटी है ये। ओके नेक्स्ट टेट्रा हम देख रहे हैं अभी, ये जो है एम्बर टेट्रा है ये। ओके ये भी स्मॉल साइज में, और कलर इसका और डार्क होएगा, डीप रेड होता है। ओके तो काफी अट्रैक्टिव दिखता है, और नैनो टैंक के लिए ये बहुत बेस्ट फिश है, आप ज्यादा नंबर में इसको रख सकते हैं। यहाँ पे हम कवर कर रहे एक नई टेट्रा की वैरायटी, कौन सी वैरायटी है ये? जो है ये लेपर्ड डेनियो है, लेपर्ड डेनियो आप इसके ऊपर देख सकते हो, तो लेपर्ड सरीके स्पॉट है जी जी। तो जी, ये भी काफी रेयर मानी जाती है जी, और ये वैरायटी में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? डेनियो फिश में ही एक्चुअली डेनियो वैरायटी है ये, जैसा जेब्रा आता है उसी टाइप में है, लेकिन ये लेपर्ड है, और इसका पैटर्न जो है काफी खूबसूरत दिखता है। अभी ये तो हम लोग ने नॉर्मल टैंक में रखा, आप अगर प्लांटेशन में रखते हैं और ज्यादा नंबर में लीजिए, जैसे 6-8 या अबव, तो आपको काफी अट्रैक्टिव दिखेंगे। नेक्स्ट टेट्रा की वैरायटी यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये जो है राजबोरा वैरायटी है, राजबोरा में ही ग्रीन राजबोरा है, ये भी रेयर फिश है जी जी। हाँ, और ऐसा पूछेंगे तो फेवरेट फिश है हमारी, तो ये आप देखेंगे तो फ्लोरोसेंट ग्रीन, ऐसे कलर की मछलियाँ आती नहीं है बोलेंगे तो भी चलेगा, जो इसका कलर है जी जी। हाँ, और प्लांटेड में, और ये खूबसूरत कलर दिखा रहा है। अब हम देख रहे हैं और टेट्रास की वैरायटी इस टैंक के अंदर, कौन सी पहली फिश हम दिखाएंगे? एम्परर टेट्रा है, इसको ब्लैक पाल्मेरी करके वैरायटी है। ओके इसका ऊपर आप देखेंगे आइस के ऊपर, तो ब्लू कलर के आइस के बाजू में रिंग है, तो वो काफी अट्रैक्टिव दिखता है, और बड़े होने के बाद और उनका कलर जो है ब्राइट दिखेगा आपको। और नेक्स्ट वैरायटी इसके अंदर है? नेक्स्ट वैरायटी इसमें आप देखेंगे तो गप्पीज वैरायटी है ये। Okay. ये जैपनीज एडलर गप्पी है एक्चुअली, ये नॉर्मल एडलर के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा साइज रहता है इसका। अब हम देखेंगे श्रिम्स, सबसे पहले इस श्रिम के बारे में जानना चाहेंगे हम। ये है जो ब्लैक चोको श्रिम्प है। Okay. ये जो है प्लांटेड टैंक के लिए यूज होता है। Okay. मतलब जो अलगी जो रहती है प्लांटेड टैंक में या फिर वो खाती है, तो इसमें ब्लैक है, उसके साथ में आप देखते रहेंगे येलो कलर के है जी, और काफी सारे कलर आते हैं। Okay. तो ये प्लांटेशन जिसके पास है वो लोग ज्यादा करके इसको रखते हैं। सो ये था आज का वीडियो, आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर हमने दोबारा लवली एक्वेरियम फिश शॉप का एक हिंदी में वीडियो किया। यहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी सारे खूबसूरत फिशेस की वैरायटी, हमने फिशेस को जो है डिवाइड कर दिया था वैरायटीज़ में, जैसे कि हमने अरवाना की वैरायटीज़ देखी, गोल्ड फिश की, एंजल की, कोइस की, पैरट की, ऑस्कर्स की, सिकलेट्स की, गुरामीज़ की, टेट्रास की हमने वैरायटीज़ देखी इस शॉप के अंदर। तो ये वाला वीडियो खास करके आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर था। इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो डू हिट द थम्स अप बटन एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस कमिंग सून ऑन एसजी इंसेप्शंस। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एज आई लव मेकिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।